हाँ, हमारी नोटिस में भी ये है कि नौजवान को यहाँ पे लाया गया करीबन 4:20 पे, तो जब भी ये शोर बाहर से शोर हो गया तो मैं उठा, तो इसको मैंने यहाँ पे ईआर रूम में यहाँ पे शिफ्ट कराया। तो जब भी मैंने देखा इन्हें कि यही ये हमें दिया कि ये रिपोर्ट में ये आया कि उन्होंने जो बयान दिया मुझे उस टाइम कि ये जो वहाँ पे कुछ नहाने गए थे मंडपपाल में, वहाँ पे कोई दरिया है नहीं, कोई कुछ नया कुछ वहाँ पे उन्हें बना है, वहाँ पे ये कुछ पानी था, कोई गहरा पानी, उसमें 2-4 लड़के वहाँ पे गए थे नहाने के लिए। जब जो 4 लड़के 3 लड़के थे तीनों के तीन वापस आ गए, जो लड़का था ये तो वापस नहीं आया। फिर कोई लड़का गांव से किसी लड़के को बुलाया गया जो एक्सपर्ट इसमें था, तो उसको लाया गया, उन्होंने उसको उससे बचाने की कोशिश की। जब उसने बचाने की कोशिश की तो 20 मिनट बिल्कुल पानी के नीचे रहा है। 20 मिनट के बाद जब उसको वापस पानी से बाहर लाया गया तब इसकी हालत उतनी अच्छी थी नहीं। तब जो जो इसके साथ वो अब लवाकिन तो साथ नहीं थे, जो इसके दोस्त वगैरह साथ थे यहाँ पे लाया, उन्होंने मुझे बताया कि जब वहाँ पे इसने एक वोमिट किया, एक उल्टी की और एक बस एक उल्टी एक की और थोड़ा सा सांस लिया। लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा इसको, मैंने एग्जामिन किया, एग्जामिन के बाद मुझे यही पता चला इसकी कोई कार्डियक एक्टिविटी नहीं थी, पल्स नहीं था, पीपल इसका भी डाले हुए थे, बिल्कुल एक सर बिल्कुल एक ठंडा हो, इसकी बॉडी काफ़ी ठंडी हो गई थी, तो बिल्कुल कोई ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे हमें पता चलता कि नहीं ये वापस रिसेसेट हो जब होता है ये वापस आता। हमने अपनी तौर से बहुत कोशिश की, इसको CPR दिया, इंजेक्शन दे दिए, इंट्राकार्डियक एडलन दे दिया, बट समहाउ वापस नहीं।